हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। चलिए ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये देखिए, फिंगर दिया है, एक नंबर कैफ है और ये वीएट कैसे इजीली सेट करना है आप ये पूरा वीडियो देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये हम एक नंबर का कैफ मार रहे हैं। देखिए अभी कैफ निकाला, फिंगर दिया, इसको मैचिंग करना है, आप स्किन को मैच करना है दोस्तों, बियर्ड को और जो हमारा हेयर कट है उसको मैच करना है। सेटिंग ध्यान रखिए मैं कब कैसे कर रहा हूँ, आप लोग इजीली समझ जाएंगे और बहुत अच्छा मैंने बियर्ड सेट किया है दोस्तों। ये देखिए, यहाँ से आपको ट्रिमर से आप अपने सीजर से इसको कट मार सकते हो, आपको जैसा सही लगे आप ट्रिमर से भी मार सकते हो। ये देखिए, ध्यान दीजिए कैसे मैं कर रहा हूँ, ट्रिमर कैसे चला रहा हूँ, इजी है दोस्तों। देखिए मेरा हाथ फॉलो करते रहिए दोस्तों, आप इजीली वियर्ड, अच्छा अच्छा वियर्ड आप करना सीख जाएंगे। ध्यान से देखिए, और जो दोस्त मेरे चैनल पे आते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी हिम्मत बढ़ाइए दोस्तों। ये देखिए, यहाँ पे भी कट मारना है, यहाँ पे भी आपको सीजर से मारना है या ट्रिमर से मारिए, ध्यान रखिए। ये सेम प्रोसीजर इस साइड का है दोस्तों। देखिए मैंने फिंगर दिया, ये एक नंबर का कैफ है, इसको मैंने क्लच को पीछे लिया, अब आगे किया, देखिए फिर फिंगर दिया, वैसे ही मैच करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ और दिखा रहा हूँ दोस्तों। अब ये देखिए, मैंने कैफ निकाला, क्लच पीछे लिया, इजी है, इतना इजी तरीका आप लोगों को सिखा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ दोस्तों। आप लोग ऐसे ही करते रहेंगे तो बहुत एक्सपर्ट कारीगर बन जाएंगे दोस्तों। ये देखिए, मैंने आगे लिया क्लच, जीरो किया उसको, देखो आप देख सकते हो पूरा मैच कर दिया मैंने बियर्ड को और उसके जो हमारा स्किन मैच है। ये देखिए, आप फनी से थोड़ा सा कोई कोई बाल एक्स्ट्रा रहते हैं तो उसको मैच कर दीजिए। ये देखिए, फिर से बैक साइड में आपको थोड़ा ट्रिमर से कट मारना है, ये चीज़ को ध्यान रखना है। जितना आप इसको प्रॉपर लाइन इसका स्ट्रेट रखेंगे उतना ही आपको क्लीन और हमारा जो फिनिशिंग है बियर्ड का वो क्लीन हमको दिखता है और समझ में भी आता है। देखिए ट्रिमर कैसे चला रहा हूँ दोस्तों मैं, ये देखिए कट हमारा नीचे का भी कट मार के हो गया दोस्तों। देखिए अभी यहाँ पे भी आपको जैसा मैंने उस साइड बताया सेम इस साइड में भी वैसे ही करना है। ये देखिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है यहाँ का पॉइंट निकालना, यहाँ पे वी रहता है और सीधा स्ट्रेट लाइन होता है दोस्तों। आपके क्लाइंट को जैसा फेस को सूट हो रहा है अपने हिसाब से करने की कोशिश करिए। ये देखिए, मुझको थोड़ा थोड़ा ट्रिम कर दीजिए। और आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि मैं कैसा बियर्ड सेट करता हूँ दोस्तों, आप लोगों को पसंद आता है नहीं आता है। ये देखिए, आपको थोड़ा थोड़ा मूंछ को ट्रिम करना है। ये देखिए, थोड़ा सा फिंगर का सहारा लेके आप सीजर चलाइए, इजीली आप बहुत अच्छा। ये देखिए, यहाँ से भी आपको सीजर से या ट्रिमर से कट मारना है, ये चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे बियर्ड को शेप के लिए दोस्तों, जो फिनिशिंग समझ में आता है यहाँ से। चलिए अब इसमें हम सेविंग जेल अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास सेविंग जेल रहेगा तो या फोम रहेगा आप इसको अप्लाई करके कर सकते हो इजीली आप, इससे सॉफ्ट हो जाता है, हमारे क्लाइंट को दुखता नहीं है और हमारा ब्लेड जो है रेज़र वो अच्छे से स्मूथ चलता है दोस्तों। अच्छे से अप्लाई करना है इसको। ये देखिए, सबसे पहले आपको नीचे से ही ब्लेड मारना है दोस्तों। ये देखिए, और जो मैं फिंगर दिया इसको थोड़ा टाइट रखना है तभी हमारे बाल प्रॉपर निकलेंगे। ये देखिए, ध्यान से करना है, बस आप इजीली कर पाएंगे दोस्तों। ये देखिए, पहले नीचे फिर बैक साइड में कान के पास दोस्तों। ये देखिए, इजीली इजी आपको करना है, बहुत इजीली मैं आपको सिखा रहा हूँ और आप लोग कर भी पाओगे, ध्यान से ही आपको सीखना है दोस्तों। ये देखिए,
ये दोस्तों बियर्ड एल शेप में है दोस्तों, प्रॉपर एल में देखिए कितना फिनिशिंग और कितना क्लीन आ रहा है एल शेप हमारा दोस्तों। यहाँ पे आपको वी कर देना है थोड़ा, ये देखिए दोस्तों हाथ ऐसे ही फॉलो करते रहिए, बहुत अच्छे आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। ये देखिए सेम प्रोसीजर इस साइड का है दोस्तों, जितना इजीली मैं आपको समझाता हूँ शायद ही कोई समझाता होगा दोस्तों, फिर भी मुझे सपोर्ट नहीं मिलता है दोस्तों। बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए और ख़ुद के लिए भी, आप लोग को सिखाऊंगा तो ही मुझे थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो मेरी वजह से कोई सीख रहा है। बस आपका ऐसा ही प्यार देते रहो दोस्तों, मैं खुश हूँ आप जैसे भी प्यार देते हैं। बस मुझे आपसे यही उम्मीद रहेगी हमेशा कि आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि मैं कैसे कर रहा हूँ, बस उसी टाइप से आपको करना है, बहुत अच्छा आप अपने क्लाइंट को लुक दे पाएंगे दोस्तों। देखिए मुझको भी आप पूरा जो हमारा शेप होता है दोस्तों उसको ध्यान रख के ही करना है आपको, कि कहीं पे भी आपका मिस्टेक ना हो। यहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा ध्यान देना आप लोगों को दोस्तों, ये देखिए कैसे मैं कर रहा हूँ, पहले कहाँ पे रेज़र मारता हूँ, कैसे उसको शेप देता हूँ, वो चीज़ को ध्यान रखना है बस आपको। अगर ये वीडियो आप भगाएंगे तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा बियर्ड कैसे सेट करते, आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए दोस्तों। अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या है, इसलिए आप लोग नहीं थोड़ा सा नहीं समझ पाते, क्योंकि अगर भगा के देखेंगे वीडियो तो कैसे समझेगा कि कहाँ पर क्या करना है, आगे क्या करना, आगे क्या होने वाला है। तो वो चीज़ के लिए आपको समझना पड़ेगा तभी आप कुछ आगे कर पाएंगे दोस्तों। और मेरा जो तरीका है वो सबसे अलग है, सबका मैं किसी का कॉपी नहीं करता हूँ, मेरा अलग टेक्निक है दोस्तों। देखिए कितना बेहतरीन हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।